एक नेवी पायलट के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक पर लैंड करना, क्योंकि जरा सी भी चूक लाखों डॉलर्स का नुकसान करवा सकती है। और इस दौरान अगर लैंडिंग गियर काम ना करे या टेल हुक डैमेज हो जाए तो लैंडिंग कराना और भी खतरनाक हो जाता है। गाइज, इस तरह के सिचुएशंस में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए प्रत्येक विमान वाहक पोत के पास विमानों को जल्द और कम दूरी में रोकने के लिए एक बैरिकेड वैपिंग सिस्टम होता है, जो मजबूत रस्सियों को वर्टिकली जोड़कर तैयार किया जाता है और इसकी हाइट अप्रॉक्स 20 फीट होती है। हालांकि बैरिकेड्स का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, लेकिन डेक क्रू को नियमित रूप से बैरिकेडिंग को कम से कम समय में लगाने की ट्रेनिंग दी जाती रहती है। गाइज, इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना के बाद क्रू बैरिकेड वेब को फ्लाइट डेक पर लगा देता है, जिसके बाद बैरिकेड विमान के पंखों को इंगेज करता है और अपने शक्तिशाली पट्टियों के साथ केवल 2 सेकंड्स में ही विमान को रोक देता है। लेकिन कई मामलों में यह भी देखा गया है कि ये स्ट्रैप फाइटर जेट्स को डैमेज भी करता है।